हे गाइस, वेलकम बैक विद माय अनदर वीडियो। माय नेम इज विनोद एंड यू आर वाचिंग द विकेट ट्रैवल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सो वैसे तो आपको ये थंबनेल्स और टाइटल को देख के पता चल ही होगा ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड, ये हमारे वीडियो स्टार्ट हो रहा है, शूटिंग स्टार्ट हो रही है देवरिया डिस्ट्रिक्ट लेके कुशीनगर की तरफ। और इस वीडियो पे आपको हम दिखाना चाहेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इन कुशीनगर। एंड ये टेम्पल जो है बुद्धा टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है फ्रेंड, गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम ये जर्नी हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बुद्धा टेम्पल। आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा गोल्डन बुद्धा टेम्पल्स। सो मैं आपको अंदर के नज़ारा भी शो करूंगा फ्रेंड्स, सो आप इंजॉय करिए। चलिए हम अंदर चलते हैं बुद्धा टेम्पल के अंदर। ये जो आप देख रहे हैं इसे बुद्ध विहार या बुद्ध नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर आप सभी को श्री गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलती है। जैसे कि फ्रेंड, हम सबको पता है गौतम बुद्ध सत्य और अहिंसा को अपने जीवन का आधार मानते थे। एंड यहाँ पे आके आप सभी को कुछ ऐसा ही फील होगा। कुशीनगर एक इम्पोर्टेंट प्लेस हो जाता है फ्रेंड उन बौद्ध धर्म लोगों के लिए जहाँ चार धाम की यात्रा करते हैं। चार धाम की यात्रा लुम्बानी फर्स्ट यात्रा होती है, जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व पहले। एंड सेकेंड यात्रा होती है बोध गया, जो बोध गया है हमारा बिहार में है फ्रेंड, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान हासिल किया था। एंड थर्ड यहाँ पे जो धाम है सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य दिए थे लोगों को। एंड चौथा जो प्लेस है कुशीनगर में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने उनकी उम्र के 80 साल की अपनी आखिरी सांस जो है ली थी। सो यहीं पे आपको वो प्लेस मिलने देखने को मिलेगा फ्रेंड, जो महापरिनिर्वाणा टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। एंड अभी जो आप फ्रेंड देख रहे हैं, ये है आपको जस्ट गोल्डन टेम्पल के बाजू में आपको शॉपिंग मिलेगा एंड बुद्ध सावर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे भक्त जो है यहाँ पर आते हैं बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार। काफ़ी लंबे लंबे शहर से, मेरे कहने का मतलब ये काफ़ी दूर से लोग आते हैं, लाइक कोरिया से, चाइना से, नेपाल से एंड इंडिया के ऑनली भारत से भी आते हैं फ्रेंड। सो ये जो आप टेंपल देख रहे हैं ये बुद्धा सावर है, जहाँ पे गौतम बुद्ध अपने ध्यान में लिग्न यहाँ प्रसिद्ध हैं। एंड अभी जो आप फ्रेंड देख रहे हैं ये है महापरिनिर्वाणा टेम्पल, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपनी आखिरी सांस ली थी। ये जो आप देख रहे हैं ये है महापरिनिर्वाणा टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर आपको गौतम बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलेगी लेटी हुई, जो 6.1 मीटर लंबी है। सो चलिए मैं आपको अंदर के भी व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे गौतम बुद्ध की प्रतिमा जो 6.1 मीटर लंबी है, जो लेटी हुई है प्रतिमा। ये वही प्लेस है फ्रेंड, जहाँ पे श्री गौतम बुद्ध 80 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली थी। एंड यही जो प्रतिमा है जो 6.1 मीटर लंबी। एंड फ्रेंड, यहाँ पे आपको आके कुछ इस प्रकार का व्यू देखने को मिलता है, जो प्राचीन काल में बनाई गई थी।
एंड यहाँ पे आपको एकदम शांति फील होगा फ्रेंड, एकदम शांति, कोई आसपास आपको नहीं देखने को मिलता ज़्यादा करके। एंड आप खुद देख सकते हो व्यू, कितना सुंदर व्यू है। सो अभी हम चलते हैं फ्रेंड, आपको हम लेके चाइनीज़ बुद्धा टेम्पल। चाइनीज़ बुद्धा टेम्पल ये देखिए, यहाँ पे आपको शूज या स्लीपर्स या सैंडल आप जो भी वियर करते हो वो आप यहाँ आपको यू आउट करना होता है। एंड चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। सो कुछ इस प्रकार के आपको फ्रंट व्यू देखने को मिलेंगे। एंड ये जो टेम्पल है ये 2 फ्लोर में बना हुआ है। फर्स्ट फ्लोर में मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, चलिए अंदर। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का बुद्ध धर्म की जो प्रतिमा स्थित है, गौतम बुद्ध की। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया सो आप हमारे इस चैनल को लाइक करिएगा। एंड फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कर लीजिएगा आपके फ्रेंड में। एंड फ्रेंड्स, अभी हम आपको ले चल रहे हैं चाइनीज़ बुद्धा टेम्पल के सेकेंड फ्लोर पर। सो चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ सेकेंड फ्लोर। आपको व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा लाफिंग बुद्धा, जो आपको सेकेंड फ्लोर पे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे ड्रैगन स्टाइल में यहाँ पे कुछ आपको डिज़ाइनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी मिस टेम्पल जो बना हुआ है। सो चलिए आपको मैं अंदर की प्रतिमाएं जो स्थित हैं हमारे गौतम बुद्ध की वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आप जैसे देख पा रहे फ्रेंड, यहाँ पे आपको 3 प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं श्री गौतम बुद्ध की। सो चलिए मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप होती है।